चक्रवात रेमल आसुरी शक्ति के साथ आ रहा है। दीघा में प्रशासन की अभूतपूर्व सक्रियता। चक्रवात रेमल का असर शनिवार रात से शुरू हो गया। नदियां और समुद्र उग्र हैं। पूर्वी मेदिनीपुर जिला प्रशासन की अंतिम कार्रवाई। रविवार सुबह से ही दीघा समेत जिले के तटीय इलाकों में माइकिंग चल रही है। प्रबल चक्रवात रेमल आ रहा है। प्रशासन ने अग्रिम चेतावनी के तौर पर दीघा में माइकिंग शुरू कर दी है। शक्तिशाली चक्रवात रेमल धीरे धीरे बढ़ी हुई ताकत के साथ तट की ओर आ रहा है। साल के इस पहले चक्रवात से दक्षिण बंगाल के तटीय जिले प्रभावित हो सकते हैं। ऐसा है एयर ऑफिस का दर्द। अलीपुर मौसम विभाग ने पहले ही कई जिलों में चेतावनी जारी कर दी है। दक्षिण बंगाल के उत्तर और दक्षिण 24 परगना में रेड अलर्ट जारी किया गया है। पूर्वी मेदिनीपुर जिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस चक्रवात की तैयारी के तौर पर पूर्वी मेदिनीपुर जिला प्रशासन और दीघा थाने की पुलिस ने दीघा में माइकिंग शुरू कर दी है। दीघा पुलिस स्टेशन और दीघा कोस्टल पुलिस स्टेशन शनिवार 25 मई की दोपहर से पूरे दीघा में माइकिंग करके चेतावनी जारी कर रहे हैं। प्रशासन ने दीघा में माइकिंग कर स्थानीय आम लोगों, दुकानदारों और दीघा आने वाले पर्यटकों को चेतावनी जारी की है। बंगाल की खाड़ी में चक्रवात की ताकत अभी भी बनी हुई है। रविवार आधी रात तक ये भीषण चक्रवात बांग्लादेश के खेपुपारा तट और दक्षिण 24 परगना के समुद्र के बीच किसी तटीय इलाके से टकराएगा। चक्रवात रेमल के कारण उत्तर और दक्षिण 24 परगना में 120 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने के साथ भारी से बहुत भारी बारिश होने की उम्मीद है। दूसरी ओर मौसम कार्यालय ने रविवार से मंगलवार तक पूर्वी मेदिनीपुर जिले में 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहुत भारी बारिश और तूफान की भविष्यवाणी की है। पवन कार्यालय ने पहले ही मछुआरों को चेतावनी भेज दी है। मछुआरों के मंगलवार तक समुद्र में जाने पर रोक लगा दी गई है। नवान ने चक्रवात से निपटने के लिए उत्तर और दक्षिण 24 परगना के साथ साथ पूर्वी मेदिनीपुर जिला प्रशासन के साथ बैठक की है। सब सबाई सहयोगिता करे चलबे आदेश अनुसार काम करे कार्यकारी बल अधिकारी दीघा शंकर पुरंदर पार्षद छात्री सुनाओ अधिकार कौनटाई विशेष घोषणा এত দ্বারা দীঘা শঙ্কর পুরন্দর পার্ষদের পক্ষ থেকে দীঘার সকল অধিবাসীবৃন্দ ও দীঘায় আগত সকল ভ্রমণার্থীদের যেমন বন্ধুদের কাছে প্রশাসনের তরফ থেকে বিনম্র আবেদন, দীঘার বঙ্গোপসাগরে সৃষ্টি হওয়া ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে দীঘার সমুদ্র যেকোনো সময় উত্তাল হতে পারে, তাই সমুদ্রের জলে কেউ নামবেন না, সমুদ্রের কাছে কেউ ঘোরাঘুরি করবেন না, হাত দিবেন না। প্রশাসনের দায়িত্বে থাকা কর্তা ব্যক্তিদের সাহায্যে আপনারা সবসময় সহযোগিতা করে চলবেন। আদেশ দীঘার সকল অধিবাসী বৃন্দ ও দীঘায় আগত সকল ভ্রমণার্থী পর্যটক বন্ধু ও দীঘার সকল ব্যবসায়ী বন্ধুদের অনুমোদানুসারে কার্যনির্বাহী অধিকারী দীঘা শঙ্করপুর উন্নয়ন পর্ষদ কর্তৃপক্ষ ও সাব ডিভিশনাল অফিসার কান্ট্রি মহকুমা বিশেষ ঘোষণা, এত দ্বারা সকল দীঘার নাগরিক বৃন্দ, অধিবাসী বৃন্দ ও ভ্রমণার্থী বন্ধু ও সকল পর্যটক বন্ধু ও সকল ব্যবসায়ী বন্ধুগণের কাছে প্রশাসনের তরফ থেকে বিনম্র আবেদন জানানো হচ্ছে যে বঙ্গোপসাগরে সৃষ্টি হওয়া ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে দীঘার সমুদ্র যেকোনো সময় উত্তাল হতে পারে, তাই সকল পর্যটক বন্ধু ও দীঘার অধিবাসী বৃন্দের কাছে প্রশাসনের কাছ থেকে তরফ থেকে বিনম্র আবেদন,
আপনারা কেউ সমুদ্রের জলে নামবেন না, সমুদ্রের পাশে ঘোরাঘুরি করবেন না, কাটা বা